नागपुर शहर के जामठा मैदान में भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस मैच के दूसरे दिन क्राइम ब्रांच ने मैदान में ही मैच पर सट्टा लगाने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस विभाग को गुप्त जानकारी मिली थी कि कुछ लोग जामठा मैदान से ही नागपुर ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच पर सट्टा लगा रहे थे। इस जानकारी और पुलिस आयुक्त मितेश कुमार के आदेश पर शुक्रवार को पुलिस विभाग ने जामठा मैदान में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई के दर्शन गोहिल, नागपुर के सुनील अमीसर, जय किशन कृष्णानी और प्रतीक मंत्री को गिरफ्तार किया है। ये चारों आरोपी मैदान में बैठकर एक ऐप द्वारा ये काम कर रहे थे। आरोपियों के पास से पुलिस ने 6 मोबाइल जब्त किए। आगे की कार्रवाई जारी है। भारत ऑस्ट्रेलिया दरमियान क्रिकेट मैच का टेस्ट सीरीज शुरू है आणि त्याचा पहिला टेस्ट सीरीज हा नागपूर येथील विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन VCA ग्राउंडवरती सुरू आहे। त्या मॅचचा आज दुसरा दिवस होता। त्या मॅचमध्ये काही लोक क्रिकेटवर सट्टा लावून हारजीतचा खेळ करीत आहेत अशी माहिती मिळाल्याने माननीय आमचे पोलीस आयुक्त सर माननीय अमितेश कुमार सर, त्याचबरोबर जॉईंट CP मॅडम श्रीमती अश्विनी दोर्जे मॅडम, क्राईम DCP सर सुदर्शन मोमक्का सर यांनी आम्हाला आदेश दिले का असा असा क्रिकेटचा त्या ठिकाणी जुगार सुरू आहे, तर आपण त्याच्यावरती माहिती काढून कारवाई करावी। त्या माहितीच्या आधारे सरांनी एक पथक नेमलं होतं। आम्ही त्या आदेशानुसार क्रिकेट मॅच सुरू असताना त्या ठिकाणी रेकी केली। काही लोकांना आम्ही स्पॉट केला की ते त्यांच्याजवळ असलेल्या मोबाईलवरून त्यामध्ये वेबलिंक ॲपच्याद्वारे ते क्रिकेट बेटिंग करत आहेत। त्या आधारावर आम्ही त्यांना ताब्यात घेतला आणि त्यांची जेव्हा चौकशी केली, विचारपूस केली, त्या ठिकाणी ते सदरचा मोबाईलवरती आणि वेबलिंकवर क्रिकेट सट्टा खेळताना मिळून आले। त्यावर आम्ही आता पोस्टे हिंगणा येथे गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।